हाउ टू इंस्टॉल ग्राफिक्स ड्राइवर इन कोर्टोडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोर्टोडियो के कंप्यूटर में या कोर्टोडियो के लैपटॉप में ग्राफिक्स ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसी प्रोसीजर बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करके आप अपने कोर्टोडियो के कंप्यूटर में या कोर्टोडियो के लैपटॉप में ग्राफिक्स ड्राइवर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल गांग जी। नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइज मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर में। तो मैं मेरे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। तो गाइज ये मेरा कोर्टोडियो का कंप्यूटर है। तो आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्राइवर बूस्टर। तो आपको आयो बूट की एक फर्स्ट साइट मिल जाएगी, तो उसे आपको ओपन कर लेना है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, तो इसे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ी फोल्डर करेंगे और यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस हम इसे सिंपल अभी इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इधर हम नो थैंक्स करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो गाइस ड्राइवर बूस्टर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से आपके हार्डवेयर के लेटेस्ट ड्राइवर आपको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा इंस्टॉलिंग चालू है, हम थोड़ा वेट करेंगे। फिर हम नो थैंक्स करेंगे और इधर स्कैनर पर क्लिक कर देंगे। तो भाई अभी मेरा कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर स्कैन कर रहा है। तो स्कैन करने के बाद ये मेरे हार्डवेयर के सारे लेटेस्ट ड्राइवर ये मुझे प्रोवाइड करेगा। तो भाई यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे मेरे कंप्यूटर के अपडेट है, लेकिन मुझे मेरा अभी सिर्फ ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर का एक अपडेट है, तो इसी सिंपली हम इसे अपडेट करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है। तो डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी कर लेता है, तो इसे आपको मैनुअल इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे ग्राफिक्स प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन आ चुका है।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये ग्राफिक्स प्रॉपर्टी पैनल अभी आ चुका है और मेरा ग्राफिक्स ड्राइवर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।